एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। अब जब से ही आप ESIC UDC में आप सेलेक्ट हो जाते हो, फाइनली ज्वाइन कर लेते हो तो लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम जो असिस्टेंट के लिए आपका होता है वो किस तरीके से आपका रहता है, पेपर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एक ये आपका इंग्लिश का पूरा पेपर है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जिससे आपको ये क्राइटेरिया समझ में आ जाए कि भाई किस तरीके से आपका यहाँ पर एग्जाम आता है। और सारी चीज़ें जो हैं वो आपके जैसे नॉर्मल कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जाती है उसी तरीके से यहाँ पर पूरी रहती हैं। तो ये पेपर जो है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बाकी इस पेपर का जो PDF है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो जिससे आप सभी एक बार देख ले। क्योंकि आप सभी जितने भी स्टूडेंट जो सेलेक्ट होने जा रहे हैं, इवन अभी कुछ क्लियर नहीं, कहीं पे वैकेंसी बढ़ी भी है, लगभग मान लीजिए मोटा मोटा 2000 वैकेंसी तो होनी ही होनी है। तो 2000 स्टूडेंट जो सेलेक्ट होंगे, आप सभी असिस्टेंट का पेपर एक बार देख लीजिए, उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो आपकी डिपार्टमेंटल एग्जाम में भी आती है। और डिपार्टमेंटल एग्जाम आपके लिए क्यों जरूरी है वो मैंने राइट साइड में आई बटन में UDC के प्रमोशन में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ध्यान से आप उस चीज को देखिएगा, जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पेपर जो है वो वहीं मैं पिन करके रख दूंगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके।